फाइनल मैंने मना कर दिया, क्योंकि वहाँ का वातावरण मेरे जीवन में पैसे का महत्व नहीं, मेरे संस्कार, मेरी संस्कृति, मेरे सनातन का महत्व है। के बीच में आए हैं, कुछ लोगों को ना गलत फहमी हो गई है कि मैं बिग बॉस में चला गया। अच्छा ये बताइए, बिग बॉस में जाने वाले जो 18 लोग हैं, क्या उन 18 लोगों में मेरा नाम है? तो हेलो मेरे प्यारे भाइयों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो भाई कैसे हो तुम सब? भाई थंबनेल तुमने देख लिया होगा, अब हम बात करते हैं मुद्दे की। अनिरुद्ध आचार्य जो कि फिलहाल बिग बॉस में आए थे, लेकिन बिग बॉस के कंटेस्टेंट नहीं बने। वजह जानते हैं क्यों नहीं बने? और बात करते हैं, उनके पास आए थे बकलोल भी लोग। कल ही आए थे बिग बॉस की पूरी टीम, कल फाइनल मैंने मना कर दिया, क्योंकि वहाँ का वातावरण मेरे जीवन में पैसे का महत्व नहीं, मेरे संस्कार, मेरी संस्कृति, मेरे सनातन का महत्व है। जहाँ हमारे धर्म को हम बढ़ाने का प्रयास करेंगे, हम वहाँ तो जाएंगे, जो सनातनी है वहाँ तो जाएंगे। आज हम एक विशेष चर्चा लेकर आपके बीच में आए हैं, कुछ लोगों को ना गलत फहमी हो गई है कि मैं बिग बॉस में चला गया। अच्छा ये बताइए, बिग बॉस में जाने वाले जो 18 लोग हैं, क्या उन 18 लोगों में मेरा नाम है? बिग बॉस तो 3 महीने का कार्यक्रम होता है, 3 महीने के लिए उस घर के भीतर जाते हैं लोग और 3 महीने के लिए कैद हो जाते हैं। जो जीतता है बाद में उसकी बातें होती हैं, वो 3 महीने का बिग बॉस है। मैं उन 3 महीनों में क्या एक दिन के लिए भी गया? मैंने मना किया था कि मैं बिग बॉस में नहीं जाऊँगा और मैं नहीं गया। फिर आप कहेंगे कि आप बिग बॉस के मंच में दिखे, हाँ, जब मैंने मना कर दिया तरीके से, कई बार 500 बार मैंने कलर्स के ऑफर को, बिग बॉस के ऑफर को मैंने ठुकराया। कलर्स वालों ने कहा, उनकी टीम ने कहा, उस घर में नहीं आ रहे हैं तो कोई बात नहीं, जो 18 लोग बिग बॉस के घर में जा रहे हैं उन्हें आशीर्वाद देने के लिए आ जाइए। तो मुझे अतिथि के रूप में, मैं वहाँ पर चीफ गेस्ट के रूप में गया। बकलोल, वीडियो करता हूँ शुरू बिना किसी देरी को। चैनल पर अगर नए हो तो भाई घंटा जरूर दबा देना, क्योंकि तुम्हारा अपना चैनल है मस्ती भरा। मैंने बिस्कुट कह दिया तो लोगों ने बड़ा ट्रोल किया, बड़ा मजाक उड़ाया। और देखिए अभी देखिए बिस्कुट, जबकि मैंने डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर ने बताया कि तो हानिकारक है। सही बात है ना? हाँ वो तो है, हाँ, मैदा है, चक्कर बहुत ज्यादा। आप भी मान रहे हैं कि हानिकारक है? पोकी बाबा ने बताया बिस्किट है हानिकारक, वो बात तो सही है और सच है। देखिए मैंने बिस्किट के बारे में कहा तो लोगों ने मजाक उड़ाया, जबकि ये हानिकारक है, लेकिन दाने दाने में केसर का दम, सुपर डुपर स्टार खूब बेच रहे हैं। बताइए इसका किसी ने विरोध किया? मतलब जो सही कह रहा है बंदा जी, उसका तो आप विरोध करेंगे, और जो खुलेआम बाजार में गलत चीज है, आप गुटखा, बताइए कहां दाने दाने में केसर कदम होता? वो बात तो भाई सही है, दाने दाने में केसर कदम, लेकिन तुम सबने बाबा को बहुत ज्यादा ट्रोल किया हुआ, इसलिए बाबा को ये वीडियो बनानी पड़ी। बाबा इसमें कह रहे हैं सब लोग मुझे ट्रोल कर रहे हैं, बिस्किट में विष बता दिया, बिस्किट में विष, कोई कमला पसंद बेचता है अजय देवगन, विमल दाने दाने में केसर कदम, इनके एड़ाते इन्हें कोई कुछ क्यों नहीं कहता, बस ऐसी चीज का फंडा लेके बैठे हैं बाबा जी। बोलो गुरु जी प्रणाम जी, कोटि कोटि प्रणाम, खुश रहिए। बोलो मेरी माँ, क्या बोलूं, भूल गई। बे भाई क्या था, अम्मा जी भूल गई? अम्मा जी क्या तुम भांग पी के आई हो? अम्मा जी को देखने के बाद मुझे ऐसा ही प्रतीत होता है, अम्मा जी होशो हवास में नहीं है। बाबा जी के पास कैसे कैसे लोग आते हैं अजीबो गरीब। कितने बजे करें बताओ? 1 बजे। 1 बजे से? हाँ। तो आप शाम को फ्री नहीं रहती क्या? शाम को? अभी तुम देखो अभी सिर्फ शुरुआत है। 3 बजे से 6 बजे तक रहता है ना? तो आप फ्री कब रहती हैं? मैं बीमार रहती हूँ। 1 बजे से कथा स्टार्ट करें? जो क्या चिंता भाई, इससे बीमारी का क्या मतलब है? बीमारी का इससे क्या मतलब है? कथा 1 बजे शुरू हो या 3 बजे, तुम्हें बीमारी है अम्मा जी, तो इसमें कथा आगे पीछे क्यों करें? बाबा जी के पास बकलोल इंसान आ रहे हैं पता नहीं क्यों। राधे राधे गुरुजी। हाँ बेटा। गुरुजी एक बात बोलना था। बोलो। बोलना तो नहीं चाहती पर बोलना है। हाँ बेटा बोल दो, क्या बात बोलनी है? बाबा जी के साथ सब के सब मुंह फट ही आते हैं, तुम भी कुछ बोल दो। लो बोलो। आई लव यू गुरुजी। खुश रहो। बाबा जी को बोल दिया आई लव यू? अरे बालक अपनी उम्र तो देख, तेरी उम्र क्या है और बाबा जी की क्या है, कुछ मेल नहीं मिलता। देखो भाई मैं कुछ नहीं बोलने वाला, क्या फायदा विवाद होने लगे और तुम मुझे टॉर्चर करो, इसलिए मैं कुछ नहीं कहता, मैं जा रहा हूँ आगे। गुरु जी हम सुबह बहुत लेट उठ पाते हैं। सवेरे लेट उठते हो? हाँ। सोते कितने बजे हो? 11 बजे 12 बजे। तो क्या करते हो 12 बजे तक? बेटी खिलाते हैं अपनी। क्या खाते हो? बेटी को खिलाते हैं। बेटी को? हाँ। बेटी, बेटी, बेटी को खिलाता है, इसकी शादी नहीं हुई, क्या सीन है वो, आगे देखते हैं। ये बेटी तुम्हारी शादी हो गई? तुम्हारी हाँ। तुम्हारी शादी हो गई?
हो गई गुरुजी, हो गई। गुरुजी सदमे में आ चुके हैं, क्या अब इससे मैं क्या कहूँ। तुम कितने साल के हो? 27। 27, वाह। और कितने बच्चे हैं तुम्हारे? एक ही है। बेटी? तो उसको 12 बजे रात को खवाते हो? अरे वो उठ जाती है। अच्छा तुम खवाते हो, तुम्हारी पत्नी? अरे मैंने, मेरे कहने का मतलब है वो रोती है तो खिलाते हैं। अच्छा तुम खिलाते हो? अच्छा खिलाते हैं। अच्छा तुम खिलाते हो? अच्छा ऐसे खिलाते हो, प्यार करते हो। अबे चूरन, सीधा सीधा बताना था ना, तू चटक चूत क्या है क्या? वो रात में रोती है, तू उसे गोदी में लेके सुलाता है। बाबा जी को और मुझे तूने दोनों को कंफ्यूज कर दिया। ऐसे ऐसे घनचक्कर बाबा जी के पास आ रहे हैं, मेरी समस्या बाहर है। फिर भी मैं इन्हें पकड़ता रहूंगा जब तक ये बाजी नहीं आने वाले। हमें आपके साथ फोटो निकलवानी है, साथ में। कहां से निकलवानी है? आपके साथ में, चरणों में। क्या कहा, क्या कहा इसने? गुरु जी के साथ फोटो खिंचवागा तो चूरन है क्या? अगर तू AI की वीडियो एडिटिंग सीख लेता तो गोलू जी से अच्छी खासी बात कर सकता था। ब्यावर में फोटो ऐसे तू अपनी खींच सकता था जैसे कि एकदम रियल हो। अब बाबा जी किस किसके साथ फोटो खिंचवाएंगे? खुश नसीब होगा तो बाबा जी तेरे साथ फोटो खिंचवा लेंगे, टेंशन ना ले। अभी अंदर बैठेंगे ना तब बेटा। अरे यहीं सामने गौरी गोपाल है, महाराज जी, आई लव यू। घर पर भाई अपनी खुद ही देख लो, कितने उल्टी खोपड़ी के लोग आते हैं बाबा जी के पास। कोई एक भी अकलमंद इंसान मुझे दिखाई नहीं दे रहा। पूरे क्या बोलते हैं इसे, पूरी भीड़ में। अभी अंदर बैठेंगे ना तब बेटा। कहाँ घर पर? अरे यहीं सामने गौरी गोपाल है, महाराज जी, आई लव यू। गोपाल है, महाराज जी, आई लव यू। क्या तुमने वही सुना जो मैंने सुना? यो भी महाराज जी से कुछ कह गया और वो तुमने सुन लिया है आई लव यू। दाल में कुछ काला है। हर कोई आता बाबा जी को आई लव यू कह के चला जाता। बाबा जी इतने स्मार्ट और हैंडसम जो है। जय हो पति देवता की। कितने की पी जाते हो रोज? कभी कभी पीते हैं गुरुजी। कभी कभी, हाँ, कभी 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 तेरे दिल में शराब पीने का। गुरु जी को सब कुछ पता है, कभी कभी पीता है तो गोलू जी तो खूब मजे ले रहे हैं भाई साहब। बस एक छोटी वाली है, छोटी सीसी। कितने की आती है वो सीसी? 50 रुपये की। पौआ पीते हो, सिंपल बोलो ना। 50 रुपये की पौआ पीते हो, सिंपल बोलो ना। घुमा फिरा के काहे पूछ बोल रहे हो, सीधा बोलो पौआ पीते हैं। वाह ज्ञानी बाबा वाह, भाई मुझे नहीं पता था। बाबा जी को तो बहुत ज्यादा नॉलेज है। अगर इतना सा हुआ तो वो पौवा कहलाया जाएगा, अगर इतना बड़ा हुआ तो सीसी। यहाँ भी दाल में कुछ काला है। लड़कों को तो आपने उठा लिया था? हमने नहीं उठाया, मेरे माता पिता ने उठाया। सास बात नहीं करती, चोरी से शादी की है, बिहार में की है। बाबा जी मुझे एक बात तो बताओ, कि तुमने अपना जो खोला हुआ है प्रोग्राम ऐसे ही खोला हुआ है, कोई भी आ जाता है मुंह फट और कुछ भी पूछ लेता है? तो उठवा लिया उसके घर से। अच्छा शादी कर ली? अरे गजब किया, बढ़िया है, लगता बढ़िया है, ज्यादा दहेज वाले बुला लिया ना। वैसे भाई बाबा जी की बात गलत नहीं है, बाबा जी ने कई परिवारों को एकजुट कर दिया है इसी प्रोग्राम में, जहाँ पे भीड़ और सैलाब आती है। नए नए सज्जनक कहाँ कहाँ से लोग आते हैं। तो उठवा लिया उसके घर से बाहर आ गई। अच्छा फिर शादी कर ली? शादी करा दिया, मेरे मम्मी को दहेज ज्यादा ले रहे थे ना, इसलिए उठा लिए। अरे गजब किया, बढ़िया है, ये रोस्तम बढ़िया है। जो क्या सीन है भाई, तुम्हारी समझ में आ रहा है कुछ? मुंह में आया बक दिया और पीछे आया हक दिया। भाई मैं समझ गया इसके बिहार का फंडा, लड़के वाले मांगते हैं वहां पे दहेज और लड़के वाले देते नहीं दहेज, तो उठा लेते हैं मंडप से लोंडा वो कर देते हैं भगा के शादी। बिहार का यही पारिवारिक माहौल है क्या? मुझे नहीं पता था, अभी पता चला मोटी बहन से। राधे राधे जपने से क्या राधे राधे आपको खाने के लिए दे देगा बिना मेहनत किए हुए? बोली जब अपनी माँ के पेट में थी तब तुम्हारा बाप देता था खाने को, उनसे पूछना, तुम्हारा बाप डांट डाल के खावाता था। ओ तुड़ी की भाई, भाई बाबा जी ने एक ही दफे में डायलॉग बाजी में ऐसी दबा के ले ली
कि अब ये मुंह दिखाने को बोलने के लायक नहीं रहा। बाबा जी के लिए एक लाइक बनता है जिंदा। गुरुजी सीताराम सीताराम, हमारा ये प्रश्न है कि आज जो अरे सीताराम, अब तू कहना क्या चाहता है वो बता सीधा। राधे राधे। राधे राधे। नमस्ते नमस्ते। आज हर हर महादेव। हर हर महादेव। प्रश्न क्या है? मुट्ठी मारने के बाद अक्सर बातें भूल जाते हैं, मुझे लगता है यो हाथ खींच के आया है। प्रश्न हमारा ये है कि जो पढ़ाई लिखाई में है, जो मन नहीं लगता है और हमारी बुद्धि थोड़ी काम नहीं करती, वो चक्कर भी बहुत आती है। चक्कर आते हैं मतलब कि अभी हाथ पांव भी कमजोर हैं, हाथ पांव कटते हैं, डॉक्टर को दिखाया नहीं, डॉक्टर को भी दिखाया, क्या दिक्कत बताई, बात करने में भी दिक्कत आती है। लो भाई मैंने तो तुक्का मारा था, इसकी तो बुद्धि ही कम निकली। डॉक्टर ने क्या दिक्कत बताई आपको? डॉक्टर ने उसी कछु नहीं बताया, हो जाएंगे ठीक, योग किया करो आप, योग हां प्राणायाम वगैरह करो। अरे ये क्या दिक्कत कर दिए इसने, समझ गया बाबा ने क्या बताया, योग क्या कर, योग कम बुद्धि चल अब निकल। हाँ। गुरुजी हमारी सासू माँ आपके बहुत बड़े फैन है, ये हमारा बेटा है, आपसे कुछ पूछना चाहता है। सासू माँ बहुत बड़ी फैन है, बड़ा बेटा कुछ पूछना चाहता है। देख भाई ऊट पटान चूतिया बनती की बातें तो करियो मत, बाबा जी से सीधा सीधा पूछियो। राधे राधे गुरुदेव। आराम से माइक ना फाड़ दो आप। माइक मत फाड़ दियो भाई, आराम से बोल। मेरा सहस प्रणाम जी, मैं दिख रहा हूँ आपको। हाँ गुरुदेव एक आशीर्वाद दे दो, बस यही पूछना आया था। ग्यारहवीं पास में पास होने के लिए आशीर्वाद? तू थोड़ा सा मुट्ठी है क्या? मेरी बहन है, ये भी पूछना चाहती है। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। मेरे चरण आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मेरे चरण आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। इसने क्या कहा, पहले मेरे चरण फिर आपके चरण? भाई मैंने वीडियो क्यों बनाई है मुझे नहीं पता। अब मैं जा रहा हूँ, लाइक शेयर घंटा जरूर दबा देना। मुझे नहीं पता भाई यो भी कब लग गई, अब मैं जा रहा हूँ, मुझे यो भी नहीं पता अब हम अगली वीडियो में मिलेंगे भी या नहीं। बाय बाय।